जब से एक खबर सामने आई है कि स्टार प्लस का पॉपुलर शो साथ निभाना साथ क्या एक बार फिर से नए सीजन के साथ लौट रहा है, शो के फैंस फूले नहीं समा रहे। इतने नहीं, शो में एक बार फिर से फैंस गोपी बहू यानी देवोलीना भट्टाचार्य को देखने के लिए काफी एक्साइटेड हैं। लेकिन भाई सिर्फ गोपी बहू ही नहीं लौट रही इस बार, बल्कि उनकी सास कोकिलाबेन यानी रूपल पटेल भी लौट रही हैं एक नई कहानी के साथ। जी हां, और इस बात पर मोहर लगा दी है खुद शो की प्रोड्यूसर रश्मि शर्मा ने। जी, एक मीडिया हाउस को दिए इंटरव्यू में शो की मेकर रश्मि शर्मा ने इन दोनों की एंट्री की बात को कंफर्म किया है। रश्मि ने कहा, मोदी परिवार के बिना साथ निभाना साथिया पूरा नहीं हो सकता। रूपल देवोलीना के साथ अपने किरदार एक बार फिर से दूसरे सीजन में दोहराएंगे। हालांकि इस बीच टीम सीजन 2 के लिए नए स्टार्स की तलाश भी करेगी। रश्मि ने आगे कहा कि रूपल आने वाले वीक में साथ निभाना साथिया 2 के प्रोमो की शूटिंग भी करने वाली हैं। इंटरव्यू के दौरान शो की प्रोड्यूसर रश्मि शर्मा ने यह भी बताया कि उन्होंने शो के दूसरे सीजन को लाने का फैसला आखिर क्यों किया। रश्मि ने बताया कि यह आइडिया तब आया जब शो में लॉकडाउन के दौरान रीटेलीकास्ट किया गया था और लोगों ने शो के लिए काफी इंटरेस्ट दिखाया था। सीजन 2 के लिए रश्मि ने कहा कि इस बार कहानी में कई ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलेंगे और ये फैमिली ड्रामा ही होने वाला है। इतना ही नहीं, बल्कि साथ निभाना साथिया के कोकिला बैन वाले सीन रसोड़े में कौन था कि मैशअप वीडियो के वायरल होने और मीम्स के बनने पर रश्मि ने कहा कि वो और उनकी टीम इन सारे मीम्स और फन वीडियोस को पॉजिटिव वे में ले रहे हैं और काफी एंजॉय भी कर रहे हैं। भाई अब तो खुद शो के मेकर ने ही इस बात पर मोहर लगा दी है कि शो में देवोलीना के साथ एक बार फिर से कोकिला बैन यानी रूपल पटेल भी नजर आएंगी। शो में एक बार फिर से इन दोनों को देखना किसी बड़ी ट्रीट से कम नहीं होने वाला। प्यारी और मासूम सी गोपी बहू और तेज तर्रार सी कोकिला बैन को एक साथ देखना वाकई धमाल मचाने वाला है। आपको बता दें कि शो के नए सीजन को इसी साल दिवाली के मौके पर रिलीज किए जाने की प्लानिंग चल रही है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि शो को देखने के लिए फैंस की एक्साइटमेंट अब और ज्यादा बढ़ गई होगी। वैसे आप कोकिला बैन मोदी और गोपी बहू की जोड़ी को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं? बताइएगा जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में।